हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। क्लियर? ओस्टवाल्ड का तनुता नियम जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा हमारी सीरीज चल रही है आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? आयनिक इक्विलिब्रियम सीरीज जो चल रही है हमारी, उसमें आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम हमें विशेष तौर पे वैद्युत अपघट्य पर, यानी कि जो कोई भी हमारा अम्ल है या द्वि द्वि क्षारीय हमारा है, द्वि अम्लीय है, कोई भी हमारा द्वि लवण होता है, यानी तीनों में से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमारा विशेष तौर पे यहाँ पे जो ओस्टवाल्ड का तनुता जो लागू होगा, तनुता पहले आप ये समझेंगे कि तनुता क्या होती है। क्लियर? तनुता क्या होती है ये चीज हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या है ये, देख लीजिए। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम किस पर लागू करेगा? एक एक द्विअंगी दुर्बल, दुर्बल का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। दुर्बल यानी कि बी, एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघट्य। क्लियर? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है। इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने समझाया है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट्स में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट बताए थे, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, यानी कि जो जलीय विलयन में तेजी से आयनित हो जाते हैं या बहुत ही तेज आयनित हो जाएं, या जिसमें विद्युत धारा बहुत तेजी से बहे, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या कहलाते हैं? जिसमें आयरन बहुत ही कम होता है। क्लियर? आयरन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, वे क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो हमें सबसे विशेष तौर पे बात ये जाननी है कि ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है वो किस पर लागू है। ठीक है, तो किस पर लागू है भाई? दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर, या नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इनमें से आपको चुनना होता है। तो किस पे लागू करेगा भाई? यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम हमारा लागू होता है। फिर से देखेंगे क्या है भाई, कि माना कि एक द्विअंगी, माना कि एक द्विअंगी यानी कि द्विअंगी दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है, हमने ए भी लिया दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या लिया? ए भी लिया। ए भी को जल में घोलने पर, ए भी को क्या है भाई? ए भी को जल में घोलने पर, ए भी को क्या कर रहे हैं भाई? जल में घोलने पर इनके इनके अणुओं तथा आयनों के बीच क्या होता है भाई? साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। क्लियर? क्या स्थापित हो जाती है? साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। यही हमारा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम है। इसके लिए फार्मूला प्रूफ करने के लिए ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओस्टवाल्ड का तनुता नियम का सूत्र है। ठीक है भाई, ओस्टवाल्ड के तनुता नियम का सूत्र भी पूछा जाता है। ये आप समझ लीजिए, के बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होता है भाई? 1 माइनस अल्फा। ये नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1 माइनस अल्फा। क्लियर? 1 माइनस अल्फा इंटू वी। वी क्या है? आयतन है। तो ये हमारा क्या है? ओस्टवाल्ड का तनुता सूत्र का फार्मूला है, जहां पे के क्या है आयनिक स्थिरांक। क्लियर? के क्या है बेटा? आयनिक स्थिरांक है। अब उससे पहले मैं आने आपको नोट पॉइंट नहीं समझाया था, ये समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि इसके बिना आप ओस्टवाल्ड का तनुता नियम नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो परिभाषा दे रखी है मैंने, वो किसकी दे रखी है? तनुता की दे रखी है। बेटा क्या है तनुता? किसे कहते हैं पहले आप ये समझ लीजिए, तनुता किसे कहते हैं? क्या है भाई समझे? विलयन, यानी कि विलयन का बहे आयतन। क्लियर? विलयन का बहे आयतन, जिसमें विलयन का बहे आयतन जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ विलय हो जाए
तो ये क्या कहलाती है, विलयन की तनुता कहलाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक मोल विद्युत अपघट्ट में, एक मोल विद्युत अपघट्ट में जो भी पदार्थ हम घोलते हैं, जो भी पदार्थ हम घोलते हैं, जितनी घुलने की क्षमता होती है एक मोल विद्युत अपघट्ट में, वह उसकी क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। क्लियर? हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्या है भाई, एक मोल विद्युत अपघट्ट में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, अधिकतम घुले हुए विलेय की मात्रा, अधिकतम घुली हुई विलेय की मात्रा क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। क्लियर? तनुता कहलाती है, ठीक है भाई, विलेय हो जाए विलयन की क्या कहलाती है, तनुता कहलाती है। अब हम ये फार्मूला प्रूफ करेंगे, ये हम फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं भाई। फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, समझ लीजिए भाई, फार्मूला कैसे हम प्रूफ करेंगे, देखें भाई क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एक ये वैद्युत अपघट्ट है, एक वैद्युत अपघट्ट हमने लिया ए और बी। क्लियर? जब हम ए और बी को आप तोड़ेंगे तब क्या होगा भाई, ए पॉजिटिव और बी निगेटिव होगा। यानी कि समझ लीजिए, एक वैद्युत अपघट्ट हमारा ए बी है, जब हम इसको तोड़ें, जब हम इसको आयनित करेंगे बेटा, जब क्या करेंगे, हम इसे आयनित करेंगे तब क्या होगा, जब हम इसको आयनित करेंगे। क्लियर? यानी कि ए और बी हमारा क्या है, वैद्युत अपघट्ट है, जब हमने इसको आयनित किया तो हमारा ए प्लस प्लस बी माइनस। क्लियर? ए प्लस और बी माइनस, ठीक है भाई, ए प्लस और बी माइनस। यानी कि जब हमने ए बी को तोड़ा तो ए प्लस और क्या हुआ, बी माइनस हुआ। प्रारंभिक मोल हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रारंभिक मोल की संख्या, तो क्या लिखेंगे, प्रारंभिक मोल की संख्या, प्रारंभिक मोल की संख्या क्या हो जाएगी, प्रारंभिक मोल की संख्या 1 ले ली, 1 ले ली। अब प्रारंभिक मोल जब 1 है तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, शाम पर मोल लेंगे भाई, शाम पर मोल की संख्या लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, शाम पर मोल की संख्या, शाम पर मोल की संख्या, जब हम शाम पर मोल की संख्या लिखेंगे तो बेटा अल्फा ये बना और ये भी अल्फा बना, और ये कहाँ से निकला, 1 माइनस अल्फा। क्लियर? ये हमारे इसकी शाम पर मोल हो गया, शाम पर ए बी के जो मोल बचे हमारे 1 माइनस अल्फा बचे, और जो ए प्लस निकले वो भी यहीं से निकले, बी माइनस निकले वो भी यहीं से निकले। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें भी मैंने इसी टाइप से बताया था। वहां पे केवल एक्स था, यहाँ पर क्या है, अल्फा है। अब आप ये ना सोचें कि अल्फा यहाँ से निकला, अल्फा यहाँ से निकला तो यहाँ पे 2 अल्फा कर दें, ऐसा नहीं करेंगे हम। क्लियर? ये हमारे ये हो गए। फिर हम क्या लिखेंगे, माना कि विलयन में के 20 लीटर आयतन में, माना विलयन के 20 लीटर आयतन में, विलयन के 20 लीटर आयतन में, ठीक है भाई, माना कि विलयन के 20 लीटर आयतन में एक मोल वैद्युत अपघट्ट विलेय है। क्या है भाई, एक मोल वैद्युत अपघट्ट क्या है बेटा, विलेय है, वैद्युत अपघट्ट क्या है, विलेय है। फिर से देखेंगे, माना कि विलयन के 20 लीटर आयतन में एक मोल वैद्युत अपघट्ट विलेय है, वैद्युत अपघट्ट विलेय है, तब इस विलयन की तनुता 1 लीटर होगी। तब क्या होगी, तब इस विलयन की तनुता, इस विलयन की तनुता क्या है, 1 लीटर है। क्लियर? इस विलयन की तनुता क्या है, 1 लीटर है। फिर से देखें, विलयन के 20 लीटर आयतन में
एक मोल वैद्युत अपघट्य विलय है, एक मोल वैद्युत अपघट्य विलय है। मैंने आपको तंत्रता की परिभाषा भी बताई कि एक मोल वैद्युत अपघट्य में विलय पदार्थ की मात्रा उसकी क्या कहलाती है, तन्नुता कहलाती है। तो बात वही आ रही है भाई, विलयन के ए बी लीटर आयतन में एक मोल वैद्युत अपघट्य विलय है, तब इस विलयन की तन्नुता क्या है, 1 लीटर है। क्या होगी, 1 लीटर होगी। तब आप इस पे साम अवस्था पर सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, तब साम्य अवस्था पर क्या हो जाएगा भाई, साम अवस्था पर आप जानते हैं यानी कि ए वी क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, एक्टिव मास सॉरी क्या है, सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास ए वी क्या बचेगा बेटा बताइए, 1 - α/β। ठीक है भाई, ये हो गया 1 - α/β हो गया। अब हम क्या काम करें, सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा बेटा, ए पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव क्या होगा, α/β। फिर हम लिखेंगे सक्रिय द्रव्यमान बी नेगेटिव बराबर क्या हो जाएगा, α/β। ठीक है, अब आप इसमें क्या काम करेंगे जानते हैं, आयनन स्थिरांक के बराबर हम लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख देंगे भाई आयनन स्थिरांक क्या है बेटा, आयनन स्थिरांक के बराबर क्या लगाते हैं भाई, द्रव अनुपातिक क्रिया के नियम से क्या लगेगा भाई, पहले हमारा a प्लस और b माइनस अपॉन ए वी। क्लियर, हम जब इसमें भी फार्मूला लगाएंगे, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो α/β * α/β क्या करने वाले भाई, 1 - α/β। क्लियर, ये 1 से ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, जब ये बी से बी कैंसिल हो गया क्या होगा भाई, यहाँ पे अब बताइए क्या निकल जाएगा, α² / 1 - α/β। ठीक है, α² ये तो बचेगा भाई, α² / 1 - α, ये भी नीचे आ जाएगा, तो 1 - α/β, यही हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, क्या निकल के आया, k = α² / 1 - α×β। ठीक है, यही हमें फार्मूला क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर, यही फार्मूला हमें आयनन स्थिरांक क्या है, आयनन स्थिरांक। ठीक है भाई, आयनन स्थिरांक एक नोट पॉइंट करके बनाए, नोट करके लिखेंगे आयनन स्थिरांक यानी कि आयनन स्थिरांक का मान विद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा विलायक की प्रकृति, आयनन स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्य की प्रकृति तथा ताप पर तथा
ताप पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्लियर? किस पर निर्भर करता है? विलायक की प्रकृति, वैद्युत अपघट, विलायक की प्रकृति, वैद्युत अपघट की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है भाई? आयनन स्थिरांक का वैद्युत अपघट, आयनन स्थिरांक का मान, आयनन स्थिरांक के विद्युत अपघट की प्रकृति कौमा ब्लैक की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। क्लियर? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख लें भाई, नोट करके, यदि यदि अल्फा अल्फा इज लेस देन वन, ठीक है, वन की अपेक्षा अल्फा बहुत कम है, अतः 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 क्या कर दें भाई, अतः हम इसमें क्या कर दें बताइए, अतः अल्फा बराबर अल्फा वन माइनस अल्फा को, अतः वन माइनस अल्फा को वन के तुल करने पर, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, तुल करने पर जब वन के तुल करेंगे तो के बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है भाई, के बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी हो गया भाई, के बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन बी, और अल्फा बराबर के इंटू वी, या फिर अल्फा बराबर रूट के वी, ठीक है, रूट के वी हो गया, ठीक है भाई, रूट के वी हो गया। अब आप जानते हैं के क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल आता है, तो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा, देखिए क्या आया निकल के, समझिए क्या परिभाषा लिख सकते हैं, अल्फा समानुपाती अंडर रूट बी, हम यह लिख सकते हैं किसी द्विअंगी दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ के वियोजन की मात्रा, दुर्बल दुर्बल यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ के वियोजन की मात्रा उसकी उसकी तनुता के वर्गमूल के क्या होती है, समानुपाती होती है। फिर से देखें, किसी द्विअंगी दुर्बल वैद्युत अपघट पदार्थ के वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। क्लियर हो गया भाई? आज की क्लास में हमने डिस्कस करा ओस्टवाल्ड के तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम के लिए हमने जो उसका सूत्र था वो स्टेब्लिश कर लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुप्रयोग लेकर। क्लियर? ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुप्रयोग लेकर आएंगे, और कुछ जो भी इसका आगे टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम 8:30 बजे। क्लियर भाई? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।